में स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं और ये टॉपिक हमारे एग्जाम में भी आ जाती है, बहुत ध्यान से देखना। पहला है मिताक्षरा, सेकंड है दयाभाग। मिताक्षरा एक ऐसी कम्युनिटी है जो असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर पूरी इंडिया में पाई जाती है। इस कम्युनिटी में मतलब मिताक्षरा में क्या होता है, जैसे ही परिवार में एक बच्चे का या बेटे का जन्म होता है तो उसको परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का इक्वल राइट मिल जाता है पैतृक संपत्ति के अंदर। तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड भी कर सकता है। और इस प्रकार की मिताक्षरा जो कम्युनिटी है, मिताक्षरा कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, सभी मेंबर्स की जो हिस्सेदारी होती है वो अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। फॉर एग्जांपल परिवार में पहले चार लोग थे, दो बच्चे पैदा हो गए, बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी कम हुई या ना हुई, कम हो गई। या परिवार में मान लो सात लोग थे, सात में से तीन की डेथ हो गई तो तीन की प्रॉपर्टी किसको मिल गई, बाकी चार को मिल गई। तो इसलिए परिवार के अंदर मिताक्षरा के अंदर क्या होता है, परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अनसर्टेन होती है। प्रॉपर्टी कभी इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। तो मिताक्षरा क्या, एक ऐसी कम्युनिटी जो असम, बंगाल और इंडिया के कुछ पार्ट्स को, ओडिशा के कुछ पार्ट को छोड़कर बाकी की इंडिया में पाई जाती है। बेटे का जन्म होते ही उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, बड़े होने के बाद कभी भी प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड कर सकता है, और परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी में जो उसकी हिस्सेदारी होती है वो अनिश्चित होती है, कभी भी इंक्रीज हो सकती है, कभी भी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि किसी भी पर्सन की मेंबर की जन्म हो गया या किसी की डेथ हो गई इस वजह से। अब दया भाग क्या है, दया भाग एक ऐसी कम्युनिटी है जो असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। इसमें सन डज नॉट गेट एनी राइट, इसमें एक बेटे को राइट अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी में जन्म होते ही। मिताक्षरा में क्या था, जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता है, बट दया भाग में जन्म लेते ही बेटे को अधिकार नहीं मिलता। जब तक पिता फादर जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार, कंप्लीट अधिकार, कंप्लीट ओनरशिप किसकी रहती है, पिता की रहती है, फादर की रहती है। एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होने के बाद उसको प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मिल जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है मिताक्षरा दया भाग में, मिताक्षरा में प्रॉपर्टी में अधिकार जन्म लेते ही मिल जाता है, दया भाग में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। तो डेफिनेट